स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यूपी डब्ल्यूएससी की तरफ से बिग ब्रेकिंग न्यूज़, और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि नया नोटिस आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। डीवी के लिए सेकंड लिस्ट जारी, तो डीवी के लिए सेकंड लिस्ट आ गई है, लेकिन सेकंड लिस्ट में इन अभ्यर्थियों को झटका। तो कौन से अभ्यर्थियों को झटका लगा है सेकेंड लिस्ट में, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 9 अगस्त आज ये नोटिस जारी हुआ है, और ये है भर्ती आपकी वीडियो 2018 की, जिसमें 4065 अभ्यर्थियों का जो डीवी हो चुका था, अब जो डीवी है वो करवाया जा रहा है। सेकंड लिस्ट जारी हुई है, लेकिन ये सिर्फ सेकंड लिस्ट आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए और स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित और विकलांग जन की उपश्रेणी पीढ़ी के लिए ही है। तो इसमें जो भी आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और आपकी एससी कैटेगरी, तो इन और महिला, इन सब के लिए ये झटका है कि उन अभ्यर्थियों, उन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। केवल इसमें अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित और विकलांगता के उपश्रेणी पीढ़ी के ही अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है सेकंड लिस्ट में। तो टोटल 71 अभ्यर्थियों को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति की 159.384 जो पुनरीक्षित कटाप है वो, उसके बाद स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित की 161.803 और विकलांगता की उपश्रेणी पीडी 138.4320। तो ये कटाफ जो आपकी दोबारा जारी हुई है पुनरीक्षित कटाफ, आपकी सिर्फ तीन ही श्रेणी हैं, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित और विकलांगता की उपश्रेणी पीडी बस। बाकी अलग कैटेगरी के लिए झटका है, किसी का भी अलग कैटेगरी के लिए जो सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थी सोच रहे थे कि सेकेंड लिस्ट आएगी तो और कैटेगरी के लिए होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही तीन कैटेगरी के लिए ये सेकेंड लिस्ट आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी श्रेणी दी गई है कि श्रेणी अनुसूचित जनजाति की दी हुई है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित की दी हुई है, और उसके बाद विकलांगता की जो उपश्रेणी के जो रोल नंबर हैं वो दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीवी के लिए, और इनका डीवी कब होना है तो ये आपका 20 अगस्त 2024 को आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाना है। तो 20 अगस्त 2024 को इनका डीवी कराया जाएगा। तो 20 अगस्त को अगर इनका डीवी कराया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद थी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक आ जाएगा। तो क्या आपका फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त तक आ पाएगा? अब तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक आ जाएगा, और सेकेंड लिस्ट आने में, क्योंकि आपका तीन ही कैटेगरी में है जो आपका डीवी हो रहा है 71 अभ्यर्थियों का है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद जो भी फाइनल कट ऑफ है वो आपकी तैयार हो जाएगी, और आपका 31 अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, किस दिन आपका किस रिजल्ट आने की जो भी अपडेट मुझे मिलेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।